यार हम लोग फिलीपिन में आए थे, HSA वीज़ा था, ये चीज़ें थी, सारा कुछ कंप्लीट था, हमें वापस भेज दिया। बोलता है कि पता नहीं जो फिलीपिनो इमिग्रेशन कैसे बात करती है। उससे उसका नाम पूछा है ना, पूछा थोड़ा सा स्लैंग में, व्हाट्स योर नेम, कुछ उसका स्लैंग थोड़ा अलग होगा, शायद उसे समझ नहीं आया। उसने इमिग्रेशन वाले ने 3-4 बार पूछा, फिर उसे समझ में आया कि अच्छा ये मेरा नाम पूछ रहा है। उसके बाद वो इमिग्रेशन वाला उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हो तो अभी वापस कब जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ से निकलने के बाद होटल कहाँ पे है तुम्हारा। और सामान देखो कितना लेके आई है, ये देखो इधर, इसका नाम हरजोत है। और युवा तो तकरीबन 1 घंटे से बारिश हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी धीरे हो जाती है। और जो जहाँ पे लोग रहते हैं ना, अपने वाले लोग जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ की बारिश बड़ी अजीब है, कभी भी होने लग जाती है, यहाँ का मौसम बड़ा ख़राब है। तो मैं उनको कहता हूँ कि एक राउंड फिलीपीन में लगा के आओ, फिर समझ आएगा ख़राब मौसम किसे कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो नॉर्मल है ना, कभी बारिश हो गई 1-1.5 घंटा हट गई, दूसरे दिन फिर कभी हो गई, या तीसरे दिन या 5वें दिन। तो वहाँ पे तो मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि हफ्ता हफ्ता बारिश लगातार ही हो रही है, तो अजीब मौसम क्या किसे कहते हैं, वहाँ पे जाके पता चलता है। तो ये तो सारा कुछ नॉर्मल ही है, खूबसूरत है। खैर ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा, ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओपी गरेवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो अच्छा खासा 1-1.5 घंटा बारिश हुई है, अभी बंद हुई है, तो अभी मेरे को थोड़ा यहाँ पास में एक मार्केट है वहाँ पर जाना है, तो मैं ट्रेन का वेट कर रहा था। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन। तो सिटी ट्रेन सर्विस यहाँ की काफ़ी अच्छी है, हर 5 मिनट में आपको ट्रेन मिल जाती है कहीं भी किसी भी साइड में जाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, ईजी है। लो ट्रेन आ भी गई, अभी मैं बात ही कर रहा था आपसे। तो फाइनली ब्यूटीफुल पंद्राया, पंद्राया के बाहर मैं आ गया हूँ, ये है ट्रेन स्टेशन। और कैथरीन है ना, यहाँ पे हमारी एक फिलिपीना आते हैं, तो हमें जानती है, तो और उसके साथ गई थी मतलब किसी जगह पे, तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, दिखाता हूँ, है ना यौन। और सामान देखो कितना लेके आई है, ये देखो इधर, इसका नाम हरजोत है। How are you आते? बबूत। ठीक है। बबूत। You think this? Okay okay. ये सारा सामान मेरे को लेके जाना है, तो इसके साथ गई थी कतरीन। इसके साथ ही आपको। तो मैं सोच रहा हूँ इतना सारा सामान कैथरीन ने खरीद लिया, लेकिन हमारा एक ही बैग था, बाकी वो आते गए थे। मैं सोच रहा था कल तो इतना सामान हम लेके आए, आज कैथरीन फिर उतना ही ले आई, लेकिन वो उनका था। और मुझे बाथरूम इतना ज़ोर से आया, क्या बताऊँ, बाहर भाग के जा रहा हूँ घर में। ओ बच्चों का खूब मैच चल रहा है, शिट बाथरूम निकल ही ना जाए। तो मलेशिया का मौसम और फिलीपीन का मौसम थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन फिलीपीन में कई बार हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं मौसम के, यहाँ पे मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश कब आ जाए वो जैसे फिलीपीन से मिलता जुलता है, कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो फिर भी मुझे यहाँ का वेदर काफ़ी हद तक ठीक लगा फिलीपीन के मुकाबले, वहाँ पर तो थोड़े हालात ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं ना, कई बार हफ्ता हफ्ता भी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पर तो मैं मुझे वैसा सारा कुछ कभी फील नहीं हुआ। अच्छा तो एक बात और, जो मैं अपनी पिछली कई वीडियो से नोटिस कर रहा हूँ, मैं कुछ कमेंट वगैरह देखता हूँ, जब लोग मुझे मैसेज भी कर लेते हैं ना, तो एक चीज़ मेरे को अभी कुछ दिनों से जो ज़्यादा देखने को मिल रही है कि भाई यार हम लोग फिलीपिन में आए थे, HSA वीज़ा था, ये चीज़ें थी, सारा कुछ कम्प्लीट था, हमें वापस भेज दिया वहाँ से। तो दो तीन लोगों का अभी तक मैं देख चुका हूँ तकरीबन, जिनके अभी रिसेंटली मैसेज है, मतलब कह सकते हो कि 2 महीने के अंदर अंदर 3 लोगों के मैसेज जो मैंने देखे,
तो पहला मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और वीज़ा लेके निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो होगा कुछ नहीं, एक बात याद रखना, आपके पास चीज़ें पूरी चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको पूरी लेके जाना पड़ेगा, है ना। नंबर दूसरी चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि चीज़ें तो आपके पास पूरी होनी ही चाहिए, वो चाहे टिकट है, होटल बुकिंग है, वीज़ा है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ आपको इमिग्रेशन के साथ बात करनी ज़रूर आनी चाहिए, मतलब कि अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसका आंसर सही से करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, उनके पास पूरा हक है कि वो आपको वापस भेज देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आप टूरिस्ट आए हो और वो आपको टूरिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं छोटी मोटी, क्योंकि इंटरव्यू कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तो होता नहीं है ना, जब भी हम एंटर होते हैं 1-1.5 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो इंटरव्यू होता नहीं है। तो वो बेसिक सी चीज़ें जो हर इमिग्रेशन में पूछते हैं, ये नहीं कि सिर्फ फिलीपिन में, कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे भी पूछेंगे। तो अगर आप वो चीज़ें उनको बता नहीं रहे हो, अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो उनके पास पूरा हक है कि वो आपको वापस भेज देंगे, अगर आप उनको जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं वो सही से बता नहीं पा रहे हो। जैसे एक बंदे ने मुझे बताया कि बोलता है कि पता नहीं जो फिलीपिनो इमिग्रेशन कैसे बात करती है, उसने उससे उसका नाम पूछा, है ना, पूछा थोड़ा सा स्लैंग में कि व्हाट्स योर नेम, कुछ उसका स्लैंग थोड़ा अलग होगा, शायद उसे समझ नहीं आया। उसने इमिग्रेशन वाले ने 3-4 बार पूछा, फिर उसे समझ में आया कि अच्छा ये मेरा नाम पूछ रहा है, फिर उसने नाम बताया, फिर उसने ये पूछ लिया कि वापस कब जा रहे हो, उसे फिर नहीं शायद समझ में आया, 2-3 बार उसने वो चीज़ फिर दोबारा से पूछी, फिर उसको याद ही नहीं थी टिकट। उसके बाद वो इमिग्रेशन वाला उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हो तो अभी वापस कब जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो अभी सच्ची में बोलता कि मुझे याद नहीं था कि मैंने वो प्रॉपर तैयारी नहीं की थी कि हाँ बस टिकट बना लीजिए, बनवा ली किसी से ना, उसके बाद चेक भी नहीं की कब वापस कब जा रहे हो। तो जो जो चीज़ें उसने थोड़ी बहुत पूछता गया इमिग्रेशन वाला, वो हर एक चीज़ को बस लेट करता गया जहाँ आंसर उसे दे नहीं हुआ। एंड में उसने ये भी चीज़ पूछी, बोलता है कि यहाँ से निकलने के बाद होटल कहाँ पर है तुम्हारा, जहाँ पर तुम जा रहे हो ना, हालांकि पेपर के ऊपर तो लिखा हुआ है लेकिन उसे वो शहर का नाम भी नहीं याद, सपोज़ वो मकाती था, मकाती भी नहीं उसे कहना आया, तो उसे वापस भेज दिया गया। तो ये भी चीज़ होती है कि भाई सब कुछ आपके पास है कंप्लीट, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको बात भी करनी आनी चाहिए, बात नहीं करोगे तो भी आपको वापस भेज देते हैं, याद रखना है। और ये सिर्फ फिलीपीन के लिए नहीं है, ये हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है। ये देखो कैसे आराम से सो रही है, और यहाँ की बिल्लियाँ जो मलेशिया में बिल्लियाँ हैं ना, ये भी नहीं भाई डरती डरती कहीं नहीं भागती, बंदे के सामने अकड़ के खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, तो जो बाकी है ना इमिग्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन पहले इतनी ज़्यादा क्लेवर नहीं थी, फिर भी लोगों को निकलने देते थे, अभी तो इमिग्रेशन बहुत क्लेवर हो चुकी है भाई, हर एक कंट्री में चलाक हो चुकी है, मतलब उनको इतने लोगों का उन्होंने एक्सपीरियंस देख लिया है कि वो छकल और पासपोर्ट देख के ही पहचान जाते हैं कि भाई इसका क्या पर्पस हो सकता है। तो जिसको भी आना है तो अपने आप तैयारी ज़रूर करके आना है, क्योंकि वीज़ा टिकट तो आप कहीं से भी ले लोगे, वीज़ा टिकट का क्या मुश्किल है, थोड़ा बाहर निकलो 100 ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगी, आपको वीज़ा टिकट मिल जाएगा, चाहे वो मलेशिया हो, सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, वो तो बेसिक सी चीज़ें आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको बात करना नहीं आता ना, तो आपके लिए मुश्किल होने के पूरे चांसेस हैं, बात तो करनी आनी ही चाहिए। अच्छा, तो यार ये ब्लॉग मेरे को ज़्यादा खींचना नहीं है, और एक प्रॉब्लम है मेरे पास छोटी सी, मेरे पास ना एक, जैसे मैं अपने कैमरा में वीडियोस बनाता हूँ तो एक वीडियो जो है, जो मेरा पुराना मेमोरी कार्ड है ना, उसमें वीडियोस हैं सारी जो पुराने ब्लॉग बनाए पड़े हैं, लेकिन वो शो नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी ट्रिक मैंने देखी यूट्यूब से, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर किसी के पास कोई वीडियो लिंक हो जिसको देख के हेल्प हो जाए, वो सारी फाइल्स मेरे मोबाइल में शो होने लग जाए, तो यार अच्छी बात है। अगर किसी के पास है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दूंगा, आप वहाँ पे आके मुझे कोई वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हो, जिसको देख के सीख के मैं अपनी फाइल्स को ठीक कर पाऊँ, मेरे को वो शो हो जाए किसी तरह से। वैसे है, मेमोरी में है सारा कुछ, लेकिन शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है ये यार। मैंने बहुत ट्रिक्स कोशिश की लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो या काम आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो कल मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।